ये जी आपका अकाउंटिंग साइकिल है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा जी, डॉक्यूमेंटिंग। डॉक्यूमेंटिंग कब होगी? ट्रांजैक्शंस विद सोर्स डॉक्यूमेंट्स प्लस वाउचर्स। जब भी ट्रांजैक्शन हुई तो उसका ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा, इनवॉइस होगी, कोई वाउचर होगा, ठीक है। ये है जी नंबर वन पहला स्टेप, ट्रांजेक्शन हुई उसका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हुआ वाउचर या इनवॉइस की सूरत में। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या था, रिकॉर्डिंग। फर्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल मैंने आपको बताया था, ठीक है। रिकॉर्डिंग हुई, सेकेंड स्टेप ये है, रिकॉर्डिंग सबसे पहले जिस बुक में की जाती है उसको हम बोलते हैं जर्नल। रिकॉर्डेड कलेक्टिवली, दैट मींस जर्नल में सारे अकाउंट्स आप रिकॉर्ड करते हैं तमाम क्लासेस के। आपने देखा कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुड्स, सेल अकाउंट, ठीक है, एक्सपेंसेस के सारे अकाउंट्स, इसका मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप हमने किया इसी चैप्टर में, क्लासीफाइंग, यानी कि लेजर अकाउंट हमने बनाए, क्लासीफाइड एंड पोस्टेड सेपरेटली इन वेरियस अकाउंट्स। आपने देखा कि हमने कैश का अलग अकाउंट बनाया, फर्नीचर का अलग अकाउंट बनाया, ठीक है, कैपिटल का सेपरेट अकाउंट बनाया, ठीक है। तो ये है तीसरा स्टेप। उसके बाद नंबर फोर पे आपने देखा अभी हमने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस, इसको हम बोलते हैं समराइजिंग। तो डेफिनेशन आप याद करें, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। ये आ गया जी समराइजिंग आपका। क्या बनाया हमने, ट्रायल बैलेंस, रिकॉर्ड को हमने इकट्ठा किया, बैलेंसेज ऑफ अकाउंट ऑफ एक्सपेंसिस, रेवेन्यूज, लायबिलिटी, ओनर्स इक्विटी एंड एसेट्स। ओनर इक्विटी मीन कैपिटल, ये अभी मैंने आपके सामने चौथा स्टेप किया, ठीक है। उसके बाद पांचवा स्टेप क्या, फाइव, रिपोर्टिंग, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये आप आगे जाके नौवां चैप्टर करेंगे और दसवां और ग्यारहवां चैप्टर फाइनल अकाउंट्स का, ठीक है। तो साइकिल है, इसलिए आप ये देख लें अकाउंटिंग साइकिल के पांचवा स्टेप है जी, आप बनाएंगे, रिपोर्टिंग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट, या आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे या इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, दोनों का पर्पस एक ही है। पर्पस क्या है, या तो आपका प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा, आपको पता चल जाएगा आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है। साथ दिखा एक्सपेंसेस वर्सेस रेवेन्यू, ऑब्वियसली आप रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का मैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद है लास्ट है रिपोर्टिंग, ये भी रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन आपको याद होगी, बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजिशन शो करती है, ठीक है, ये भी आप फाइनल अकाउंट्स में करेंगे। लास्ट स्टेप है ये, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी, ठीक है। अब हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, पहले पांच चैप्टर अकाउंटिंग की बेसिक्स है, ये सबके लिए है, इसकी आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद आपको अकाउंटिंग जो है वो बहुत आसान है।